राष्ट्रीय राजमार्ग 70 के निर्माण से प्रभावित होने वाले किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल समाज सेवी उमेश ललित की अध्यक्षता में भू अर्जन अधिकारी सरकाघाट जफर इकबाल से मिला और उन्हें मांग पत्र सौंपा, जिसमें एनएच की जद में आने वाली भूमि मालिकों ने हमीरपुर या मंडी सर्कल रेट दिए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि इस निर्माण से हमीरपुर से मंडी तक 124 किलोमीटर सड़क से धर्मपुर टीहरा सरकाघाट सहित करीब 10,000 परिवार प्रभावित होंगे और प्रभावित भू मालिक प्रस्तावित राजमार्ग के निर्माण का विरोध नहीं कर रहे हैं। वे सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार उनके हितों को ध्यान में रखते हुए मंडी या हमीरपुर के सर्कल रेट निर्धारित करे। अगर ये रेट नहीं मिले तो ग्रामीण राजस्व मोहल्ला के भूमि मालिक बर्बाद हो जाएंगे। समाज सेवी उमेश ललित, प्रोमिला देवी व नेकराम आदि ने दो टूक शब्दों में कहा कि एनएच द्वारा तय रेट उन्हें मंजूर नहीं है, उन्हें हमीरपुर व मंडी सर्कल के रेट दिए जाने चाहिए, अन्यथा आंदोलन का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। हम आज एसडीएम सरकाघाट, जो नेशनल हाईवे 70 के भूमि अर्जन अधिकारी भी हैं, उनसे प्रभावित किसानों भूमि मालिकों की संदर्भ में मिले और उनसे इन किसानों को, इन प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा, सम्मानजनक मुआवजा देने की अपील की। वर्तमान में जो मुआवजा शासन द्वारा तय किया गया है वो उचित नहीं है। हम सभी लोग जो प्रभावित लोग हैं वो इस मुआवजे से सहमत नहीं हैं। हमारा सरकार से आग्रह है कि हमें हमीरपुर या मंडी के जो सर्कल रेट्स हैं वो बराबर सबको, सब भूमि मालिकों को, जो किसान परिवार हैं उनको सबको या तो हमीरपुर का रेट दिया जाए या मंडी का रेट दिया जाए। अदरवाइज अगर हमें, हम इस निर्माण के खिलाफ नहीं हैं, हम सरकार के साथ हैं, विकास में हम लोग सभी मिलजुल कर सरकार का साथ देंगे, लेकिन अगर उचित हमें मुआवजा नहीं मिलता है तो हम आंदोलन की राह पर आगे बढ़ेंगे।